लेट्स गो गाइस। भाई कुछ ऐसे अपीयरेंस में मैं निकल रहा हूँ, आई नो बहुत अजीब सा दिख रहा हूँ क्योंकि मास्क और स्पेक्स एक साथ पहने हैं, तो ये तुम्हारा निंजा थोड़ी पूरी वीडियो में अभी तुम्हें साथ ही दिखेगा। ऑफ कोर्स बाल नहीं कटवाए, तो अपनी बाइक भी रेडी है, ठीक है, इसको ले जाएंगे अपन कॉलेज और कॉलेज में पार्क करके वहां से बस से हम आगे निकल जाएंगे, ठीक है। सो चलिए चलते हैं। अच्छा हमको सिखा रिया है। I was totally clueless कि क्या होगा वहां पे पहुंचने के बाद, नज़ारा क्या होगा, क्या बसेस पहले से आई होगी या फिर मे बी मैं लेट हूँ या फिर बसेस लेट होंगी। तो मैंने ज़्यादा दिमाग लगाने की जगह मैंने सोचा चलो रास्ते में मेरी फेवरेट कॉफ़ी शॉप है, एक कॉफ़ी या फिर मोहितो पी के चलते हैं। मैं अपनी फेवरेट मोहितो ले ली अभी फर्स्ट कॉफ़ी से, नो माइंड ये वो शॉप है और अभी चलते हैं कॉलेज की तरफ पीते पीते। स्नैप नहीं निकाल रहा भाई मैं तो पूरा, इट्स लाइक लॉक करने की सोच रहा हूँ। हाँ क्या ख्याल है भाई आपके? बहुत बढ़िया। Let's see अब एक्सपीरियंस कैसा होता है, एक बस है वहाँ और दूसरी उधर है। ब्लॉगिंग यस काइंड ऑफ यू कैन सी। उसी वजह से भाई रात में पावर बैंक का जुगाड़ किया है। और जैसे ही हम लोग बस में बैठ गए भाई, सरप्राइजिंगली अभंग दादा की गरम गरम दावेली खाने मिल गई सुबह सुबह बस में, भाई मूड खुश हो गया। हम लोग निकल तो गए थे बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैसे हम रावत पहुंचेंगे हमें आधे घंटे के लिए एक जगह खड़े रहना पड़ेगा। ऐसा फील हो रहा था कि हमारी बस जिस लेन में जा रही है वो लेन जाके खुद ही रुक जा रही है। यार मेरा तो मतलब ना दिमाग ख़राब हो गया था, लेकिन लकीली हमारे बस में इतनी एनर्जी थी कि एक सेकंड के लिए भी कोई बोर नहीं हुआ है, लेकिन बहुत मज़ा आया। तो ये रेफरी है इंसान वाइट शर्ट और इनका कुछ अलग चल रहा है। ओ भाई और ओ सस्ते डीजे, भाई शक्ल दिखा, ठीक है ये भाई अपने डिप्रेशन में। तो जैसे हम बाहर निकले थे उस ट्रैफिक से और मस्ती चल रही थी, मैं इन तीनों से मिला और ये तीन लोग मुझे ये नहीं पता था कि ट्रिप के मेरे सबसे बेस्ट कंपनी होंगे, क्योंकि जिस वे में मैं अकेला पड़ गया था इन लोगों ने आके मेरा अकेलापन पूरा दूर कर दिया। ये इनसेंसिबल पार्ट ऑफ बस है, ये आपस में लड़ रहे हैं, इनको इनका मालूम, मैं अलग नशे में हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये तीन लोग जीत गए। सुर है ना ताल कैमरा क्वालिटी खराब है अब ठीक। और मुझे इतना लेट रियलाइज हुआ कि मेरे कैमरे के लेंस के ऊपर बहुत सारी धूल और कचरा भरा पड़ा है। बाद में जाके साफ करने के बाद समझ आया कि अरे यार वीडियो क्वालिटी क्यों खराब आ रही है। कॉलेज मतलब KJ सोमिया कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, भाई ये मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में से एक है और ये देखते ही मैं समझ गया कि हाँ हम मुंबई में एंटर कर चुके हैं। तो अब तक जो बॉडी थी वो काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड कंडीशन में थी, बट हाँ जैसे ही थोड़ा सा आगे आए ये इतना सारा पानी देख के सारा डिहाइड्रेशन चले गया, एकदम पानी पानी। तो हम अब तक तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे, बट अब हर किसी से वेट नहीं हो रहा था कि यार कब हम पहुँचेंगे फिल्म सिटी, कब हम पहुँचेंगे फिल्म सिटी। हर कोई ओवर एक्साइटेड था कि वहाँ जाके बॉलीवुड थीम पार्क में हमें देखने क्या मिलेगा। लेकिन ये रास्ते के नज़ारे देखते देखते किसी को समझ ही नहीं आ रहा था, ना किसी की इच्छा हो रही थी कि फिल्म सिटी कब आ रही है या फिर क्यों आ रही है। उतने में मुझे दिखी मुंबई की बेस्ट बस, एक छोटा सा नज़ारा ले पाया लेकिन मज़ा आया। और ये थे हमारे प्यारे और फनी से टूर गाइड जिन्होंने पूरा टूर हमें बहुत एंटरटेन किया, बहुत इन्फो दी और हद से ज़्यादा हमें अपना लिया, क्योंकि ये भी एक एक्टर थे सो इनका काम इन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया। मंदिर के घंटा है साला कोई भी आता है बजा के चला जाता है और साला हमें मारो। हां हां हां
हमारे टूर गाइड ने हमें बताया था कि जो तारक मेहता का सेट है वहाँ पे कैमरा निकालना अलाउड नहीं है, लेकिन ये किस चीज का सेट है? इसका प्रोडक्शन मैं बंद करवाऊंगा, कैमरा हाथ में। अरे ये तो बदमाश है। हाँ वो पल्सर पे बैठ। बाबूजी बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो। शेरड़ी पे सबसे ज्यादा खून तो इसी ब्रिज पे होता है। सही में ये हावड़ा पुल पे लटकी लाश। इसी मंदिर में मुझे बच्ची मिली थी। सबीर के पास मोबाइल बड़ी वाली। मैं सभी लोगों की एक एक वीडियो बना रहा हूँ। मेरी छोटी वाली मंदिर पे आई करो। मंदिर की सीढ़ियों यही वो मंदिर है जहाँ फेमस चीजें होती हैं। तो ये है वो जगह, ये है वो मंदिर जो आपके प्यारे और फेवरेट तारक मेहता वाली सीरियल में आता है। क्या बात है। और ये हमारे टूर गाइड है और ये मैं हूं। हेलो स्पेशल। एक्सक्यूज मी, एक ग्रुप फोटो होनी है। एक्सक्यूज मी, सब यहाँ खड़े हो जाए। तो ये था गोकुलधाम सोसाइटी का आउटसाइड। दिस इज द गोकुलधाम सोसाइटी। ये वो पूरा सेट है, ये उनका कामगार। अच्छा हमको सिखा रिया है। क्या मतलब? ले रहा दर्शन हो गए। काफी अच्छा है। इसके दीवार नहीं थी पहले, शूटिंग और एक्टर दोनों दिखते थे, सोसाइटी जीती थी। मगर हमारे टूरिस्ट 35 लोग होते हैं, 35 तरह के होते हैं। तो आज आपका साइलेंस रहो, चिल्ला चिल्ला के डिस्टर्ब कर रहे, पूरा सीन खराब कर दिया। उन्होंने पूरा पैक करवा दिया। अगर आपको अंदर जाना है तो डायरेक्टर से जान पहचान चाहिए, ठीक है? अब आगे फटाफट वहाँ चलेंगे। आप नहीं जानते उनको। इस दिन भर के स्ट्रगल के बाद फाइनली ये पूरी टर्निंग देख रहे हो, फाइनली हम यहाँ आ चुके हैं। पता नहीं इसको क्या कहते हैं, इस जगह को लोग तो सब लोग इसको कैफेटेरिया कह रहे हैं। अब देखते हैं अंदर जाके होगा क्या, इसलिए चलते हैं साथ में। तो जैसे ही मैं कैफेटेरिया के अंदर आया भाई, एंट्रेंस पे ही मेरी आँखें भर आ गई, क्योंकि ये जगह फिल्म इंडस्ट्री के अलग अलग अजूबों से भरी हुई थी, मतलब सजी हुई थी। सो हियर वी आर गोइंग फॉर द लंच। बोला तो है काफ़ी प्यारा लंच रहेगा, देखते हैं क्या होता है। ओह थ्री इडियट्स वाला बम। हाँ ये देखो किधर निकाल सकते। अरे बुलेट राजा ये थे। अच्छा मतलब गोल मार। मैं क्रिमिनल बनूंगा यहाँ पे। वाओ वाओ डैम ब्यूटीफुल। हाँ भयंकर। वाओ हाँ इतना एक्चुअल मजा ही। वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी फॉर कन्वीनियंस, बट दिस स्टिल सो गुड, डैम गुड। मैं तो सर लॉक कर रहा हूँ। ये बात अमोल सर के इस प्यारे से और क्यूट से चीयर अप के बाद मैं और पंप हो गया, और मेरे दोस्त पीछे से धीरे धीरे आ रहे थे पूरी जगह को देखते देखते और एक्सप्लोर करते करते, क्योंकि हम जा रहे थे लंच के लिए। और इतना प्यारा बुफे देख के ना मेरे तो बस मुंह में पानी ही आ गया। गुलाब जामुन हालांकि लिमिटेड थे, बट या अंजलि शेयर्ड अ जामुन विथ मी एंड आई लिटरली लव्ड द पाव भाजी। राइस मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था क्योंकि उसमें काफ़ी सोडा था। और मेरे ग्रुप के साथ लंच करके हम आगे बढ़ गए। हेलो सर, अब कहाँ आगे जाना है? आगे की तो बेंच। चल 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 फिर चल। शो होने के बाद सो फाइनली आफ्टर द शो
we are heading to something which we don't know. सकते हो आप लोग यहाँ पे भीड़ और मेरा ग्रुप पता नहीं कहाँ चले गया, फिर बिछड़ गया मैं। ओह ये लोग तो पीछे, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। बुजुर्गों को कहना है कि दुनिया में काम करो तो ऐसा करो, दुनिया वाले खुद कहें मैं खुद ही कर लूंगा। और इतने प्यारे से लंच के बाद हम चले गए लाइव शो में, क्योंकि ये जो कॉन्सर्ट था स्पेसिफिकली सब के लिए वहाँ जो विजिट करने आए थे उनके लिए था। और ये जो लाइव परफॉर्मेंस पे इन डांसर्स ने जो आग लगाई है ना स्टेज पे, आई स्वेयर इतना प्यारा लाइव कॉन्सर्ट मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि वैसे भी मैं लाइव शोज अटेंड बहुत कम करता हूँ, बट या दिस वॉज द बेस्ट जो आज तक मैंने देखा था। हालांकि अब कॉपीराइट की वजह से मैंने थोड़ा सा साउंड लो कर दिया है, बट वॉज दिस सिंगर मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी, मेरा दिल है प्यासा मेरा दिल जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ, मेरी तकदीर है तो मचल के सामने आ, मेरी मैं इस प्यारे से सिंगिंग परफॉर्मेंस के बाद हमें एक बहुत प्यारा म्यूजिक इंडस्ट्री की हिस्ट्री के ऊपर परफॉर्मेंस देखने मिला। हालांकि इस परफॉर्मेंस में टोटल 4 आर्टिस्ट थे, लेकिन गाइस डैम उन्होंने सेम जो स्टार्टिंग के 2 आर्टिस्ट थे उन्हीं की जितनी एनर्जी के साथ आग लगा दी। ठीक है, सामने में साइड से पकड़ के बैठिए, ठीक है। अब इस सीन में मैं एक्सप्लेन करता हूँ मेरे साथ हुआ क्या। हमारे इंस्ट्रक्टर ने कहा साइड में पकड़ के बैठिए, और मैं देख रहा हूँ मेरे लेफ्ट में कोई हैंडल ही नहीं है। मैं डर गया, बोला ये तो 70 सीन है, अब यहाँ क्या होगा, मैं गिरूंगा तो नहीं सीट से। लेकिन गाइस जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आया ना, हालांकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वो चीज़ रिकॉर्डेबल थी भी नहीं, भाई जो एक्सपीरियंस रियल लाइफ में आया वहाँ पे वन ऑफ द क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंस था। सो गाइस फाइनली द होल डे इज ओवर एंड वी आर बैक विद सम स्लाइस एंड सम न्यू फ्रेंड्स मे बी। और यस यस फ्रेंड नंबर 1 इसका नाम तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, भूल गए तो सर फोड़ नहीं रुक 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 मेरे को नाम याद है, तू पहले इधर सा श्रावणी बराबर बच गया साला। हाँ ठीक है, वो आगे चल रही है वो धनश्री और उसके आगे चल रही है अंजलि। तो इस मुंबई की प्यारी सी माया नगरी के एक जादुई दुनिया से हम जैसे ही बाहर निकल गए, हमारी बसेस हमारा वेट कर रही थी, ये नहीं थी जो आपने देखी, हमारी बसेस थोड़ी सी दूर खड़ी थी, लेकिन हाँ इस बॉलीवुड थीम पार्क में हमारे दिमाग में एक छाप छोड़ दी थी कि फिल्म इंडस्ट्री क्या होती है। हम इस प्यारी सी जगह से बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज़ और कुछ प्यारे प्यारे फ्रेंड्स लेके बाहर निकल गए। हर एक इंसान का एक्सपीरियंस अलग था, हमने वहाँ के आर्टिस्ट के साथ फ़ोटोज़ भी निकाली, और हर एक इंसान एट द एंड ऑफ आवर ट्रिप हैप्पी था। वो जो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, ये चीज़ हुई थी मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत प्यारी मेमोरीज और कुछ प्यारे प्यारे फ्रेंड्स लेके निकल गया था। सो आई होप सो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।